नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद है और मैं अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव में काम करता हूं और हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में मैं ईपैसा का कार्य देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा सर्वे होता है उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है एक वॉलंटियर को चुनने को लेकर, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहले हमारे जो स्वयंसेवक को जोड़ने से पहले हमें यह ख्याल रखना होता है कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमें अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाना है और स्वयंसेवकों के चयन के लिए क्या मापदंड है और उनका भी हमें ख्याल रखना होता है। स्वयंसेवक को लेने के लिए हमें विभिन्न विभिन्न विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल होना और अपने कार्यक्रम से अवगत करवाना। इसके साथ साथ हम स्वयं सहायता समूह व महिला शिक्षा समिति के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं और सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को अपने कार्य में बता सकते हैं। विभिन्न आयामों को ढूंढते हुए हम अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमें आवश्यकता होगी कि सभी आयामों को साथ में मिलकर उनके साथ काम करना है, क्योंकि अगर हम दो या तीन संस्थाओं से ही समन्वय स्थापित करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है कि वह हमें समय ना दे पाए, इसलिए हमारे लिए कठिनाईपूर्ण हो सकता है। उसके बाद संस्थाओं से जुड़ने के लिए कदम क्या हमारे होने चाहिए। सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ने के लिए हमारा पहला स्तर ग्राम स्तर होगा, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर शुरुआत हमें करनी है तो उसकी पहली इकाई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत अन्य स्थानीय संगठनों से मिलकर अपने उद्देश्यों को उनसे अवगत करवाना तथा उनसे सहयोग की अपेक्षा रखना हमारा पहला कदम होगा। जहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि पंचायत इतनी सशक्त नहीं है, वहाँ पर स्कूल व कॉलेज स्तर पर बातचीत कर सकते हैं। उस स्तर पर समस्या उठ सकती है, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉलेज और स्कूल स्तर पर कोई भी कार्य जिम्मेदारी से नहीं होता है, क्योंकि सर्वे के समय के बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जिसमें सर्वे के समय हमने खामियां देखी थी, जिस कारण हम इसे इतना अधिक सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। अगला हमारा कदम हम सरकारी संस्था व गैर सरकारी संस्थाएं होगी, जिनसे हम सामंजस्य बना सकते हैं। यह इसलिए भी प्रभावी होगा क्योंकि संस्थाओं को कार्य करने का अनुभव होता है और वह इस क्षेत्र में दक्ष होते हैं। यह हमारे लिए ठोस योजना का रूप होगा। नेक्स्ट है स्वयंसेवकों को जुड़ने की चयन प्रक्रिया को समझना। स्वयंसेवकों के चयन का एक प्रभावी मददगार उपाय यह भी है कि हम संस्थाओं से जुड़े स्वयंसेवी के कार्यों को उनकी संस्थाओं से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बेहतर कार्य कर रहे स्वयंसेवी का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होता है। उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। मूलतः हमारे स्वयंसेवी के निम्न स्तर 12वीं कक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य पारदर्शिता को जानना और निधि प्रभाव को समझना है, जिसके लिए शिक्षा का यह स्तर होना आवश्यक है, ताकि हमें कार्य को शुरू करने के बाद किसी समस्या से दो चार ना होना पड़े। स्वयंसेवकों के साथ मिलकर भविष्य के लिए रणनीति बनाना। स्वयंसेवी के साथ कार्य शुरू करने के बाद हम उनको अपने कार्य से निरंतर जोड़े रख सकते हैं। इससे हमें भी फायदा मिलेगा कि हमें भी बार बार नए स्वयंसेवी जोड़ने नहीं ढूंढना पड़ेगा और नए लोगों के साथ दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ में हम कुछ और लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करके जोड़ सकते हैं। भविष्य में हमारे कार्य के लिए एक बड़ी टीम बन सकती है। उनको जोड़े रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहन व सर्टिफिकेट दिए जाएं, ताकि उन्हें काम के प्रति दिलचस्पी बनी रहे। भविष्य में हमारे होने वाले सर्वे को लेकर कोई समस्या पैदा ना हो। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपके सामने शेयर की हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रभावी हो गए एक सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए मददगार हो गए और भविष्य में जब भी सर्वे हो तो आपके लिए ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद, शुक्रिया।